तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और बार। तो यार, मेरे को सुनने में आया, बहुत लोग कहते हैं कि एम प्रैक्टिस कैसे करनी है, एम को मास्टर कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एम का ही बताने वाला हूँ, एम को कैसे मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ इनको छोड़ो, पहले हमें इसको 10 पे सेट करते हैं एम को, पहले क्लोज में। अगर तुम्हारा एफ ओ वी है, उसके हिसाब से मैटर करता है कि कितना डिस्टेंस पे तुम करोगे। मैं 90 एफ ओ वी पे खेलता हूँ, तो ये देखो, एज यू कैन सी। ठीक है, सारी गोलियां बीच में लगी ऐसी 20 मीटर। देख रहे हो, ये दो सर्कल के बीच में आई 30 मीटर। फिर से दो, तीन सर्कल, 40 मीटर। देखो, मोस्टली गोलियाँ बीच में ही लग रही है अपने, ये दो तीन सर्कल के बीच में। तो ऐसे करके तुम एम प्रैक्टिस कर सकते हो, और हेड की प्रैक्टिस भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे पहले तो ये मास्टर करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, इस पे मास्टर करो, बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो जाती है। कितने अच्छे से तुम रिकॉयल कंट्रोल कर पा रहे हो, हिट फ्रेंच कंट्रोल कर पा रहे हो, वो देख सकते हो उससे। देखो, वो ना ऐसे करना है। अब इस पर प्रैक्टिस करनी है, एम को मूव कैसे करना है, एक एनिमी से दूसरे एनिमी में कैसे पुश करना है। देखो, ये दिख रहा है स्कोप बटन, इसको पहले एक पे ले जा रहे हो, जैसे कि एक सामने एनिमी है और एक हमारा दूसरे एनिमी है। पहले हम इस पे गए, एकदम एनिमी ने पिक दिया, ऐसे ऐसे फ्लिक करना है। देखो, ऐसे समझ रहे हो, एम छोड़ा, फिर अंदर, फिर ऐसे एम करना है। एम करा, एम करा, एक तो ये बीच में आना चाहिए, तुम्हारा क्रॉस हेयर देख रहे हैं पूरे टाइम, बीच में आना चाहिए। एनएमपी पे अगर क्रॉस हेयर नहीं है तो तुम्हारी गोली रजिस्टर नहीं हो पाएगी। तो क्रॉस हेयर हमेशा नहीं चाहिए, मेनली स्नाइपर के लिए होना चाहिए। ठीक है, स्नाइपर का एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। सेंसिटिविटी मास्टर करो, ठीक है, तुम्हारी जो सेंसी है उसके हिसाब से मास्टर करो उसे, जो भी हाथ में तुम्हारे बैटरी है। और अब देखो, मेन चीज़ बताऊंगा। देखो, इस पे एम लेगा ऐसे, ऐसे करके एम प्रैक्टिस करनी है। समझ गए, ऐसे इस पे ऐसे ऐसे करके एम ले जाओगे तो बंदे पे क्रॉस हेयर प्लेसमेंट में तुम्हारी आसानी रहेगी कि कहाँ पे क्रॉस हेयर ले जाना है, कब एनिमी जहाँ से फुटस आ रहे हैं, जैसे कि मेरे को पीछे से फुटस है तो मैं एकदम पीछे मुड़ के ऐसे मारना है। क्रॉस हेयर तुम्हारा एकदम सही रहना चाहिए। ठीक है, ये बीच में रहना चाहिए एकदम, पूरे टाइम बीच में। टारगेट भाई ऐसे गोली चोक ना हो जाए, मतलब दो गोली भी तुम चोक ना कर दो, इतना अच्छा एम हो जाए। तो ऐसे तुम एम की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब दिखाता हूँ, ये देखो, देखा, एम इधर शिफ्ट, एम इधर शिफ्ट, एम इधर, इधर इधर शिफ्ट करते रहना, जितना तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसे तुम एम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
तो ऐसे ही बस पूरे मतलब कि अपना एक दो हफ्ते, एक हफ्ता दोगे ना तो इतना अच्छा एम हो जाएगा, पूछो मत। मैं भी अभी प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, मेरे को और इम्प्रूव करना है अभी, तो मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, 20%, 23, 25 ऐसे पहुँच जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाती, तो मेरे को भी इम्प्रूव करना है अभी एम अपना। और स्नाइपर के लिए भी बताऊँगा, स्नाइपर का दूसरी वीडियो में बनाऊँगा कि उसमें और भी चीज़ होता है भाई, गंदी एक्यूरेसी एकदम। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ सीखने को मिले हो, प्रैक्टिस करना ठीक है, अच्छा एम करने के लिए प्रैक्टिस करना। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत सेक्सी एम हो जाएगा एकदम। तो बस इतना ही था, ऐसे प्रैक्टिस करो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे उन्हें भी सीखने को मिले। और ऐसे ही मैं तुम्हें मूवमेंट का भी बताऊँगा, स्नाइपर का भी बताऊँगा, ठीक है? तो चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तब तक के लिए एम की प्रैक्टिस करो, आई होप तुम्हारा एम इम्प्रूव हो जाए। टाटा बाय बाय।